नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। लखनऊ की इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर चुनाव के दौरान 5 मार्च को लखनऊ के सरोजनी नगर में एक सफेद स्विफ्ट कार से 1.5 करोड़ रुपए बरामद किए गए थे। इन पैसों को लेकर लखनऊ से कानपुर ले जाया जा रहा था, जिसे पुलिस ने सरोजनी नगर में चेकिंग के दौरान पकड़ लिया था। भ्रष्टाचार को लेकर प्रदेश के अलग अलग शहरों में आयकर विभाग की कार्रवाई में कई अधिकारी और ठेकेदारों का गठजोड़ सामने आया है। पता चला है कि उपायुक्त उद्योग राजेश सिंह यादव का बुलंदशहर या नोएडा में मॉल बन रहा है, एक ट्रेवल एजेंसी में भी इसकी हिस्सेदारी है। सूत्रों की माने तो विभाग की यह कार्रवाई लंबी जांच पड़ताल के बाद की गई है। कुछ बड़े अफसरों की शह पर ठेकेदारों को काम दिलाया गया। सूत्र ये भी बताते हैं कि ऐसे में आने वाले दिनों में इसकी जद में कुछ बड़े नाम भी सामने आ सकते हैं। इसके अलावा नौकरशाहों में खलबली मची हुई है। आयकर विभाग ने यूपी इंडस्ट्रियल कंसल्टेंट्स लिमिटेड के निदेशक रहे देवेंद्र पाल सिंह, कानपुर में उद्योग विभाग में तैनात उपायुक्त राजेश यादव, कानपुर के प्रॉपर्टी डीलर राजू चौहान और देशराज के ठिकानों पर बुधवार और बृहस्पतिवार को कार्रवाई की। कहा जा रहा है कि शासन के कुछ बड़े अफसरों ने अपने करीबियों को ठेके दिलाकर पैसे कमाए और खुद भी पैसे कमाए। बाद में प्रॉपर्टी डीलरों के साथ मिलकर जमीनों में पैसे का निवेश भी किया। चुनाव में लखनऊ में बरामद हुआ था कैश, जांच में कई परतें खुलती हुई नजर आ रही हैं। तो विधानसभा चुनाव के दौरान लखनऊ के सरोजनी नगर में कार से 1.5 करोड़ रुपए कैश मिला। पुलिस के मुताबिक ये गाड़ी राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के डिप्टी डायरेक्टर डीपी सिंह की थी और पैसा कानपुर से ले जाया जा रहा था। बड़ा भ्रष्टाचार, बड़ा घोटाला, कितने नाम सामने आएंगे ये अभी जांच का विषय है। लेकिन ज्यादा अपडेट के लिए लखनऊ से मेरे सहयोगी दानिश मेरे साथ लाइव जुड़ गए हैं। दानिश, बड़ा घोटाला, कई बड़े नाम सामने आ सकते हैं, क्या लग रहा है इस पूरे मामले पर जो कार्रवाई की जा रही है? कितने और नाम इसमें छुपे हैं, कितने और कारोबारी ऐसे हैं जिनका नाम जल्द सामने आएगा? देखिए, ये तो एक फिल्मी स्टाइल में कहानी चल रही है कि विधानसभा चुनाव में एक उद्योग उपायुक्त की गाड़ी पर कैश बरामद होता है विधानसभा चुनाव में, जो डीपी यादव जिनका नाम है, और कानपुर से इसके तार जुड़ जाते हैं। कानपुर में कुछ उद्योगपति हैं जिन पे ये पैसा लगाया गया, और उनपे फर्म पे कुछ फर्म में ठेकेदार हैं, उनको शामिल किया गया। पूरा का पूरा सिंडिकेट है, गठजोड़ है। और इसके बाद फिर इसके तार दिल्ली पहुंच गए, दिल्ली में कुछ जगहों पर पैसा इन्वेस्ट किया गया। ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए पहले मॉल बनाया गया, उसके बाद प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया गया। ये सवाल यहाँ पर इसलिए जरूरी है क्योंकि डीपी यादव जो है ये उत्तर प्रदेश सरकार में जो पूर्व की सरकार थी उनके करीबी माने जाते थे, और जब तक पूर्व की सरकार रही तब तक इन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। लंबे स्तर के बाद ये जांच हुई है, तो जाहिर है कि इससे पहले जो सरकार बनी थी योगी सरकार की, उन 5 सालों में इनकी जांच नहीं हो पाई। अब 2.0 दोबारा सरकार आई, दोबारा सरकार आने के बाद जब जांच हुई तब इनकम टैक्स ने पूरी तार से तार जोड़ने के बाद लखनऊ, कानपुर, दिल्ली, इन तीनों को मिला करके रडार पर जो लिए गए वो हैं सरकारी अधिकारी, जैसे कि उपायुक्त डीपी सिंह यादव और राजेश यादव। इसके बाद जो फर्म यूपी कॉर्नर के जो फर्म और ठेकेदार हैं, इनका जो पैसा प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया गया उस पर भी इनकम टैक्स की जांच चल रही है। और इनकम टैक्स ने जब 31 अगस्त को इन्होंने छापे मारे थे तो 19 जगहों पर एक साथ छापे मारी थी की थे, जिसमें लखनऊ था, कानपुर था, दिल्ली था और कुछ जिले थे जिसमें बुलंदशहर भी था। उसमें इनकम टैक्स की जो छापेमारी की गई तो ये अचानक की छापेमारी थी और कई जोन की टीमों में बैठकर हुई थी, जिसका खुलासा तो उस दिन नहीं हो पाया। यानी जो लेकिन आज इसका इसमें आरोपी है वो राजेश यादव हैं, क्योंकि उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ती नजर आ रही हैं। और जानकारी ये भी मिल रही है कि कुछ ऐसे बिल्डर हैं, कुछ ऐसे उद्योगपति हैं, कुछ ऐसे कारोबारी हैं जिनके नाम पर कुछ मॉल भी नोएडा में बन रहे हैं। हाँ, बांदा से लेकर नोएडा में ये जानकारी जो मिल रही है वो ये है कि राजेश सिंह यादव जो हैं, जो उपायुक्त थे उद्योग के, उसको उनके मॉल बन रहा है, उनके मॉल बनाने की सूचना मिल रही है। और इनके साथ के जो सहयोगी के सिंडिकेटी हैं, जो इनके कारोबारी के आपस के पार्टनर हैं, उनका प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट चल रहा है। कई जगह पर उनकी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जैसे नोएडा में और लखनऊ में, बांदा में। और दूसरा ये भी सुनने में आ रहा है कि इसकी जब ये मॉल इनकी कार से जब कैश बरामद हुआ था 2000 में विधानसभा चुनाव में, तब इनकम टैक्स के रडार पर ये उसी दिन से आए थे। तब आनंद में इनके लिए जांच बैठी थी और अभी ये सस्पेंड चल रहे हैं। जब ये सस्पेंड चल रहे हैं
तो अभी इनकी संतुष्टि जो है वो मुख्यमंत्री को भेजी गई है। अब यहाँ पर जो इनकम टैक्स जो इसमें कार्रवाई कर रहा है, उस कार्रवाई में कई बड़े बिल्डर्स, कई बड़े उद्योगपति, यूपी कॉर्न के ठेकेदार और ये डीपी यादव उद्योग उपायुक्त राजेश सिंह, तमाम कई लोग हैं शामिल बनाए गए, लेकिन इसकी जांच लंबे स्तर के बाद हुई है। ये सबसे बड़ा सवाल है जो अभी भी उलझा हुआ है कि पिछली सरकार जो योगी जी की आई थी जब भारतीय जनता पार्टी की, तो उन 5 सालों में ऐसा क्या हुआ जो इनको बचाए रखा गया और इन पर इन्वेस्टिगेशन नहीं बिठाई गई। और इसमें एक लंबा खेल ये भी खेला गया है कि इनके चहितों को जो ठेका दिलाया गया है उसके पीछे की रणनीति ये थी कि फर्जी शिकायतें कराई जा रही थी। इनके जो गुर्गे थे या इनके जो चाहने वाले थे, जाने वाले, वो लोग फर्जी शिकायतें करा करके इनके पक्ष में ठेका दिलवाने का पूरा प्रयास कर रहे थे। अगर फर्जी शिकायतें किसी और फर्म के नाम पे आरोप लगेंगे तो जाहिर है कि प्रशासन को एक बहाना मिल जाता है जांच का कि इन पर तो शिकायतें आ रही, ऐसा करते हैं इनको हटा करके इस कंपनी को दिए देते हैं। तो जाहिर सी बात है जब 5 कंपनियां अगर फर्म के नाम पर इन्वेस्टिगेट करती हैं तो उन 5 फर्मों में से किसी एक को ही मिलना होता है। तो अगर 4 फर्मों को दागी दिखा दिया जाएगा, चाहे वो गुमनाम शिकायत दायर करके हो, है कि अभी तो कुछ नाम उजागर हुए हैं, आगे कुछ बड़े नाम भी सामने आ सकते हैं जिसका इंतजार हमें करना होगा, क्योंकि जल्द ही आयकर विभाग इसका खुलासा कर सकता है। फिलहाल दानिश आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। आप नजर बना के रखिएगा, अपडेट लगातार आपसे लेते रहेंगे। तो आयकर विभाग लगातार कई अफसरों ठेकेदारों के ठिकानों पर छापेमारी कर रहा है और भ्रष्टाचार यहां पर उजागर होता हुआ नजर आया है। कई अफसर इसमें फंसते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि जिस तरह से भी विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें एक गाड़ी बरामद हुई थी, गाड़ी में 1.5 करोड़ रुपए बरामद हुए थे। वो पैसे किसके हैं, किस इस्तेमाल में लाए जा रहे थे, इसको लेकर लगातार जांच की जा रही है, लेकिन अभी भी कुछ नाम ऐसे हैं जो छुपे हुए हैं। उम्मीद है कि जल्द ही ये नाम जो है वो सामने आ सकते हैं। तो इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।